हेलो बच्चों बच्चों, आज हम प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रत्यय होता क्या है? प्रत्यय जो है, प्रति और अ दो शब्दों के मेल से बनता है। प्रत्यय शब्द का निर्माण प्रत और अ दो शब्दों के मेल से बनता है। प्रति का अर्थ होता है साथ में, पर बाद में। आय का अर्थ होता है चलने वाला। इस प्रकार प्रत्यय का अर्थ क्या हुआ? शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला शब्दांश। अतः जो शब्दांश के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अब शब्दांश के अंत में जुड़ने वाले बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कि अन, आई, आवनी, आन, आहट, इया, आड़ी, बहुत सारे शब्द हैं जो कि बाद में जुड़ते हैं और वो प्रत्यय कहलाते हैं। आज हम आपको बड़ी ई शब्द के आखिर में, अंत में जोड़ करके और एक नए शब्द का निर्माण करेंगे। तो बड़ी ई आपका प्रत्यय हुआ यहां पर। उसके कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। अनुभव, इसमें क्या हमने प्रत्यय जोड़ा है? बड़ी ई, और तब ये बना है अनुभवी। इसी प्रकार बड़ी ई प्रत्यय जोड़ते जाइए और नए शब्द का निर्माण करते जाइए। आप ये चित्र पहचान रहे हैं? आलस, और उसमें बड़ी ई की मात्रा जुड़ेगी तो बन जाएगा आलसी। चित्र पहचानिए पहले बच्चों, क्या है ये चित्र? परिश्रम कह सकते हैं, हाँ, मेहनत कह सकते हैं। बहुत अच्छे। तो परिश्रम, उसमें बड़ी ई की मात्रा जुड़ी तो बन गया परिश्रमी। आप देख रहे हैं बच्चों कि भाववाचक संज्ञा जो है उसमें हम जब बड़ी ई की प्रत्यय जोड़ रहे हैं तो वो विशेषण बन जाते हैं। तो परिश्रम में बड़ी ई की मात्रा, जिसको हम कहते हैं प्रत्यय, बड़ी ई प्रत्यय जोड़ रहे हैं तो बड़ी ई प्रत्यय लगने से शब्द क्या बन जा रहा है? विशेषण। चित्र पहचानिए, लालच, और इसमें बड़ी ई प्रत्यय जोड़िए, बन गया लालची। लालच में बड़ी ई प्रत्यय जोड़ने से क्या बन गया? लालची। हिम्मत, बड़ी ई प्रत्यय जोड़िए, हिम्मती। तो ये भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा शब्द जो क्या बनते जा रहे हैं? विशेषण बनते जा रहे हैं। हिम्मती अंजना, तो हमने हिम्मती विशेषण के तौर पे जोड़ा है यहाँ पर। तो बच्चों ये कुछ बड़ी ई प्रत्यय लगने से नए शब्दों का निर्माण था। आप और भी शब्द बना सकते हैं और बड़ी ई प्रत्यय जोड़ते जाइए, आपको विशेषण शब्द मिलते जाएंगे। धन्यवाद बच्चों, प्रसन्न रहो, मुस्कुराते रहो, सुरक्षित रहो।